किशोर जी, मैं इससे एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है, वो ये है कि 2024 में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। तेलंगाना के रिजल्ट की मैं बात कर लूँ, चाहे परिणाम कांग्रेस के फेवर में आता है तब भी एनडीए को एक साथ ही मिलेगा, और अगर हम असेंबली आती है तो भी जो है मतलब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनने वाली है। मुझे लगता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की बात होगी तो संगठन की बात जरूर होनी चाहिए। जहाँ भी संगठनात्मक चीजों को स्ट्रॉन्ग किया जाता है वहाँ वो, आप देखिए कभी भी एयर में नहीं होता वो, तो चुपचाप संगठन के लोग वहाँ कार्य करते रहते हैं, वो कभी भी जो लाइमलाइट में नहीं आते। छत्तीसगढ़ एग्जांपल, एक बात और कि कमलनाथ जी, जिनका नाम अपने आप में विरोधाभास रखता है, कमल पर फूल नहीं लगाना, उनका नाम ही बताता है कमल पर फूल लगाना है। अब भाजपा का बस चले तो पंचायत चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़े, ये संगठन की बात करते हैं। अगर जीतना, अगर रणनीतिक है और काम कर रही है तो सही है। यदि राजस्थान मध्य प्रदेश में बीजेपी हार जाती है तो फिर क्या नरेंद्र? कम से कम मिश्रा जी चेहरा तो है, आप ये सोचिए कम से कम चेहरा तो है आपके पास, तो कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश राजस्थान में बीजेपी हार जाती है तो क्या नरेंद्र मोदी की हार होगी, आप मानेंगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं नहीं, हाँ या ना की बात नहीं है, हाँ हाँ और ना की तो बात ही नहीं है। आप ये बताइए, आपके जो आपके आप जीत गए तो नरेंद्र मोदी, हार गए तो बेचारे वसुंधरा राजे शिवराज सिंह चौहान। आपका भारत जोड़ो, जुड़े हुए भारत को कितना जोड़ना चाहते हैं आप, ये तो बता दीजिए मुझे पहले। समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि जीत गए तो नरेंद्र मोदी जी, आज नरेंद्र मोदी जी का फोटो भी नहीं लगाए हैं। कौन फोटो कहाँ लगाने की जरूरत है, घर घर में मोदी, जुबान पे मोदी। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनसे ये पूछ लीजिए, अगर राजस्थान में, वैसे तो जीते कि नहीं, अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ है तो वसुंधरा राजे सिंधिया को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे, हाँ या ना? अनिला जी से पूछ लेते हैं, अनिला जी मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान में, यहाँ पे जवाब साहब पूछ रहे हैं। बहुत जल्द पता चल जाएगा ना, नतीजे तो आने दीजिए, इतने क्यों से सब इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? मुख्यमंत्री राजे सिंधिया जी होंगे, अब से होंगी नहीं, आपकी आपकी इच्छा नोट कर ली गई है कि सैयद साहब चाहते हैं कि वसुंधरा जी जो हैं वो सीएम बने, और निश्चिंत रहिए सारे एमएलएस जो हैं मिलकर चुनकर अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे। मुख्यमंत्री भाजपा प्रवक्ता से मेरा सवाल है, जहां के सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के हैं वहां से नरपत सिंह राजपी, भरत सिंह सखावत के दामाद पीछे चल रहे हैं, तो आपने तो बागियों को मैनेज नहीं कर पाया, कई सीटों से राज। अरे जो आगे चल रहे हैं सीखते राजस्थान में तो, अरे लेकिन पार्टी तो आगे चल रही है ना। सोलंकी जी इतनी देर से बैठे हैं, सोलंकी जी ये बताइए इस पूरे चार्ट को देख के आप क्या कहेंगे, सबसे बड़ा आंकड़ा छत्तीसगढ़ का है या नहीं? छत्तीसगढ़ में तो उलटफेर हुआ है, चौंकाने वाला उलटफेर है, मध्य प्रदेश में बीजेपी जा रही है, राजस्थान में अन्न के बिना सरकार बनना बीजेपी को भी मुश्किल लग रहा है। जहां तक हनुमान बेनीवाल का प्रभाव रहेगा और बीजेपी मना पाएगी ना बना पाएगी समय बताएगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जरूर पीछे रहेगी बीजेपी से, लेकिन अन्य जो 13 हैं वो राजस्थान में 70-18 तक जाएंगे, हनुमान बेनीवाल 7-8 सीट लेंगे, अदर जो बागी हैं वो 5-6 सीट रखेंगे, तो राजस्थान में जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो अन्य और हनुमान बेनीवाल। यानी ये जो बीजेपी के 104 दिख रहे हैं ये घटेंगे अभी रुझान? घटेंगे जी, पक्का घटेंगे, बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाएगी राजस्थान में, अभी भी बीजेपी बहुमत नहीं ला पाएगी राजस्थान में, सोलंकी जी का मानना। देखिए मैं छत्तीसगढ़ को लेकर एक चीज़ कह दूँ, देखिए बहुत देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी देखिए अभी इस समय आंकड़े कैसे बदले हैं, और लगातार जो है कि सुबह से हम लोग देख रहे थे कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी अभी जो है कि आगे हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि ये टैली अभी भी चेंज हो रहा है लगातार जो है, तो छत्तीसगढ़ के स्थिति पे जो लोग ये मान के चल रहे हैं इसी का क्यों चेंज हो रहा है, बाकियों के तो चेंज नहीं हो रहे। नहीं, यह कांटे की टक्कर की स्थिति तो रही है, देखिए यहाँ पे और राजस्थान में इन दोनों जगह पे काफी कांटे की टक्कर की स्थिति नजर आ रही है हमें अभी भी इस समय भी, चूंकि देखिए राजस्थान में तो गैप बहुत बड़ा है, 105 और 82, कैसे कांटे की टक्कर है? देखिए अलग अलग अगर मैं सीट वाइज जो तमाम नतीजे मैं देख पा रहा हूँ इस समय, राहुल जी अब कांटा टूट चुका है, अब आप उम्मीदों पे टूटा नहीं है। देखिए अगर आप छत्तीसगढ़ में अगर टैली बदल रहा है तो आपको क्यों लग रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में टैली नहीं बदल सकते? आप उसी खुशफहमी में रहिए, आपको किसी ने मना तो किया नहीं, मैं समझ रही हूँ आपका नाम राहुल है और आप मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द नहीं। अच्छा, चलिए अब राहुल के पास नहीं आते हम, युवराज के पास जाते हैं। आपका नाम युवराज है? किशोर जी आपको यदि याद हो तो मैंने सवेरे कहा था कि छत्तीसगढ़ में धमाका होने वाला है, धमाका हमारे सामने, और कांग्रेस के समर्थकों का भावुक होना लाजमी है, लेकिन तथ्यों की यदि बात करें तो ऐसा है कि 2014 में 37% ट्राइबल, बड़ी खबर, जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, 2014 में 37% ट्राइबल आदिवासियों ने मोदी जी को वोट दिया, 2019 में वो टैली बन के 44% हो गई, और यदि गुजरात का उदाहरण देता हूँ तो 27 में से 27 विधानसभा आदिवासी सीट बीजेपी के पास है, तो बीजेपी ने स्ट्रैटेजिकली काम किया है ट्राइबल वोटों पर। जी उधर अगर बड़े चेहरों को देखें तो राज्यवर्धन सिंह
बीजेपी के राजवर्धन सिंह बदनावर मध्य प्रदेश में राजवर्धन सिंह जो कैबिनेट मंत्री थे वो पीछे चल रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर वन से आगे चल रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जिनको इस बार विधानसभा चुनाव लड़वाया गया, और डॉक्टर अंबेडकर नगर मऊ से उषा ठाकुर बीजेपी की कैबिनेट मंत्री वो आगे चल रही हैं, जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं, पूर्व मंत्री कांग्रेस के जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर। देखिए पहले तो आपको मैं जानकारी दुरुस्त कर दूं, कमलनाथ जी आगे चल रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा संशय है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 18 सांसद और 3 बड़े केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में लड़ाया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो पहले केंद्रीय मंत्री थे फिर उनको मंत्री पद से हटा करके उनको सांसद बनाया गया, विधायक लड़ाया जा रहा है और वहां भी उनका विरोध हो रहा है। तो लोग ये पूछना चाहते हैं ये इनका प्रमोशन हो रहा है इन सांसदों का, केंद्रीय मंत्रियों का, मोदी जी उनका भारतीय जनता पार्टी प्रमोशन कर रही है या उनका डिमोशन हो रहा है, ये कौन सा भारतीय? देखिए जो भी रणनीति है, रणनीति जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की बेहतर दिख रही है कांग्रेस से, अगर सीटें ही देख लें ना, अगर रुझान ही देख लें, 138 बीजेपी मध्य प्रदेश में आ गए, कांग्रेस 89 पर है, राजस्थान में 107 पर बीजेपी आ गए, 79 पर कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 47 पर आ गए है, 41 पर कांग्रेस है, तो बीजेपी का इन तीनों राज्यों में रणनीति जो भी है वो बेहतर लग रही है। रणनीति ये बताएं नरेंद्र सिंह तोमर जी जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, अब वो क्या, अगर सरकार वैसे बन नहीं रही है अभी पता चल जाएगा, अगर बन गई हम काल्पनिक बात करते हैं तो उनका क्या हाल होगा, क्या वो मध्य प्रदेश में विधायक की हैसियत से काम करेंगे या अगर शिवराज 138 सीटों पर, चलिए अनिला जी से पूछ लेते हैं, अनिला जी सांसदों का क्या होगा ये पूछ रहे हैं, अभी है तो बहुत कांग्रेस और बीजेपी में बहुत फर्क है कर रहे हैं कांग्रेस वाले। भारतीय जनता पार्टी का में कार्यकर्ता मतलब कार्यकर्ता होता है, इसीलिए बहुत ही अनुशासित पार्टी मानी जाती है, हमारे लिए पार्टी से ऊपर कुछ नहीं है, आप MLA हो या MP हो, आपके यहाँ पर किसी को कहीं उठा करके पटक दे, नहीं तो ED CBI उनके यहाँ भी पहुंच जाएगी। अरे एक मिनट जी अनिला जी, जी मैं केवल इतना कहना चाह रही हूँ, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता, हमारे लिए कार्यकर्ता मतलब कार्यकर्ता है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहा जाएगा कि आपको विधायकी का चुनाव लड़ना है तो वो लड़ेंगे, चाहे वो मंत्री के रूप में केंद्र में हो या नहीं हो, या लेकिन कुछ जगह पीछे जरूर चल रहे हैं, जो सांसद विधायक का चुनाव लड़े हैं वो पीछे चल रहे हैं, राज्यवर्धन राठौड़ इस वक्त पीछे चल रहे हैं, और जो कि बड़ी बात है राज्यवर्धन राठौड़ का जोटवाड़ा से पीछे चलना, उस पर आप क्या कहेंगे अनिला जी? उधर से मनोज यादव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए, हाँ जी सर्वेश जी, आप किशोर जी ये जो बोल रहे थे कि पार्टी में तानाशाही चल रही है, बीजेपी कहती है कि हमारी पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ पे कोई सत्ता की मलाई चाटने के लिए कांग्रेस, जैसे राजस्थान में उन्होंने सचिन पायलट को आगे नहीं किया और गहलोत जी के साथ चलते रहे, तो आज हम देख रहे हैं, तो आखिर कांग्रेस इससे कब सीख लेगी? ये जो मध्य प्रदेश में विधायकों की चोरी की थी ये सत्ता की मलाई चाटने के लिए नहीं की थी, और किसने की थी ये बताइए, कोई बसपा की चोरी नहीं, अरे पूरी पार्टी बसपा में ला ली, राजस्थान के अंदर बसपा की वो चोरी नहीं है, आपकी आपको अपनी चोरी नहीं दिखाई दे रही है जो चोरी करते हैं। जो महाराष्ट्र में चक्की पीसिंग वाला काम था, जो प्रधानमंत्री जी 70,000 करोड़ रुपए के जो भ्रष्टाचारी NCP के नेताओं को बता रहे थे और अगले दिन उनको उपमुख्यमंत्री बताते, सत्ता की मलाई चाटना, 2.5 साल तो वो आप ही के साथ थे, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की, तब तो आप भ्रष्टाचारी के साथ लेके चल रहे थे, आखिर क्यों नहीं उस समय